नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जो लगातार हम आपको नॉनस्टॉप दिखा रहे हैं, दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी का बुलडोजर चलने लगा है और इलाके के लोग इसका जमकर विरोध भी कर रहे हैं। लोग बीजेपी पर बुलडोजर एक्शन के लिए आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्ला ने बीजेपी पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का गंभीर आरोप लगा दिया है। बुलडोजर की कार्रवाई का कुछ लोगों ने विरोध किया है, हालांकि कुछ लोगों को पुलिस ने इस मामले में हिरासत भी लिया है। और इलाके में जबरदस्त हलचल है, भारी भीड़ बुलडोजर के आसपास मौजूद है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे तीन रिपोर्टर आपको पल पल का अपडेट सीधे ग्राउंड जीरो से लगातार दे रहे हैं और हर ब्रेकिंग न्यूज आप सबसे पहले इस वक्त इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। एमसीडी शाहीनबाग छोड़ो, ये नफरत का बुलडोजर है, ये शाहीनबाग पे नहीं। लोग किस तरह से विरोध कर रहे हैं, इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलडोजर के सामने लोग लेट जा रहे हैं। इस मामले में कुछ लोगों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। इलाके में भारी हंगामा जारी है। शाहीनबाग में भारी तैनाती की गई है, एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स बुलाई गई है, बुलडोजर की तैयारी भी कर ली गई है, एक्शन शुरू होने वाला है। लेकिन इससे पहले आप देखिए किस तरह से यहाँ पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस लगातार इस पर एक्शन भी ले रही है। शाहीनबाग में बुलडोजर चलाने की तैयारी में एमसीडी मुकेश सूर्यन ने, जो कि साउथ दिल्ली एमसीडी के चेयरमैन है, उन्होंने बहुत दिन पहले कहा था कि इस मामले में सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा और 15 दिन पहले, दो हफ्ते पहले सर्कुलर जारी किया गया। और अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी की जा चुकी है, लेकिन भारी हंगामे के बीच अमित अभी तक कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। बिल्कुल विवेक, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहां पर आपको विरोध नजर आ रहा है, पॉलिटिकल विरोध ज्यादा है, क्योंकि यहां पर जो लोग पहुंचे हैं वो या तो बीजेपी के तो नहीं है या फिर किसी और पार्टी के नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जो तमाम लोग हैं यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि आरोप ये लगा रहे हैं, अमानतुल्ला खान से जब बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने, उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की कार्रवाई है, लेकिन यहां पर पॉलिटिकली आप देख सकते हैं कि मोटिवेटेड जो कार्यकर्ता है वो बीच में आ रहे हैं। गौनिका हमारे साथ जुड़ी हुई ग्राउंड जीरो से, उनके पास चलेंगे। गौनिका, फिलहाल क्या तस्वीरें, क्या कार्रवाई शुरू हो पाई है, क्या एक्शन शुरू हो पाया है, क्योंकि भारी विरोध और हंगामा लगातार जारी है और आप ग्राउंड से लगातार रिपोर्ट भेज रही हैं। जी बिल्कुल विवेक, अभी कार्रवाई हॉल्ट कर दी गई है। बुलडोजर जो आगे की तरफ बढ़ा था उस स्कैफोल्डिंग की तरफ, उस बुलडोजर को अब यहाँ पर आकर साइड में आकर रोक दिया गया है। बुलडोजर ऑफ है और जो स्कैफोल्डिंग यहाँ से हटाई जा रही थी, अब उसको मैनुअल तरीके से यहाँ पर हटाने की कुछ लोगों ने कोशिश की। जो जॉइंट्स है उसके, इसके अलावा जो उसके ऊपर और भी जो नट्स थे, उन सबको अब लोग मैनुअल तरीके से हटा रहे थे। 4 से 5 लोग ऊपर स्कैफोल्डिंग के ऊपर चढ़े, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि एमसीडी के लोगों से बातचीत उनकी चल रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो शायद खुद स्ट्रक्चर को हटा लेंगे और इसीलिए एमसीडी का बुलडोजर अभी फिलहाल एक तरफ खड़ा हो गया है। एमसीडी के कर्मचारी इस वक्त बीच में उन लोगों के साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस कार्रवाई पर फिलहाल रोक क्यों लगा दी गई है। कुछ एमसीडी के कर्मचारी इस वक्त यहाँ पर है, हालांकि पुलिस इस वक्त यहाँ पर रोक रही है क्योंकि एमसीडी के कर्मचारी अंदर मौजूद है। उनकी यहाँ के स्थानीय लोगों से, खासतौर पर जिस शख्स की बिल्डिंग है उनसे बातचीत हुई है। ऐसे में पुलिस से अभी दिख रहा है कि जो एमसीडी के कर्मचारी पहुंचे थे वो पुलिस से भी बातचीत कर रहे हैं। तो ये लग रहा है कि फिलहाल अभी इस कार्रवाई पर कुछ देर के लिए हॉट लगा दिया गया है। इस स्कैफोल्डिंग को हटाने के लिए यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा भी था, बुलडोजर का पीछे का हिस्सा इसको टच भी किया, और अगर ये टच होता तो पूरा स्ट्रक्चर एक साथ गिरता, इस पूरे स्कैफोल्डिंग को एक साथ डिमोलिश किया जाता। लेकिन अभी फिलहाल बातचीत करते हुए दिख रहे हैं फोन पे, अभी लग रहा है कि आगे बुलडोजर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इसी पर भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि जितने पूरे स्ट्रेंथ से ये पूरा बुलडोजर अब वापस आगे की तरफ आ चुका है, अभी अभी इस पूरे रास्ते में कहीं कार्रवाई नहीं हुई है। सिर्फ इस स्कैफोल्डिंग पर, जिसे कि बिल्डिंग के रेनोवेशन के लिए लगाया गया था, उस पर ये कार्रवाई होनी थी, लेकिन वो कार्रवाई भी फिलहाल रोक दी गई है। अभी एमसीडी का बुलडोजर कहीं भी नहीं चल रहा है, बल्कि एक जो बुलडोजर लाया गया था वही अभी यहाँ पर खड़ा है और साइड पर खड़ा कर दिया गया है। पुलिस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, विरोध करने वाले लोग भी हैं, लेकिन जब इसकी तरफ ये बुलडोजर पहुंचा तब लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन उसके बाद पुलिस ने उन लोगों को हटा दिया। और अभी ऐसा दिख रहा है जो एक इस मकान के मालिक हैं या उस मकान से जुड़े जिनकी प्रॉपर्टी ये है, वो बात कर रहे हैं एमसीडी के कर्मचारियों से, और वो एमसीडी के कर्मचारी उन्हें कुछ कह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। भाई साहब क्या कह रहे हैं? मैडम हमारा सवाल ये है भारत सरकार से कि हमारा सवाल ये है कि भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी को हाथ तोड़ना चाहते हैं, किसी घर तोड़ना चाहते हैं, लेटर प्रूफ के साथ तोड़िए। ये
स्ट्रक्चर आपका, ये बिल्डिंग आपकी? नहीं नहीं, मैं पीछे रहता हूँ, ये मेरी नहीं है। सुबह से यहाँ पर विवाद चल रहा है, तो मैं जो एमसीटी के अधिकारी हूँ उनसे यही बोल रहा था कि आप प्रूफ के साथ सबको बताइए कि हमारे पास ये लेटर है और हमें इसका अधिकार है कि हमें इसके फोल्डिंग तो बिल्डिंग का। वो अभी 10 मिनट में आ रहे हैं, वो अभी हट जाएगा, 10 मिनट में आ रहा है, हट जाएगा। तो इनका कहना है कि 10 मिनट में अभी स्ट्रक्चर को खुद ही हटा लिया जाएगा। तो यही बातचीत अभी लग रहा है कि एमसीडी के कर्मचारियों की प्रॉपर्टी के मालिक से हुई है कि इस स्ट्रक्चर को वो खुद हटा लेंगे। देखिए मैनुअल तरीके से अब उसको हटाया भी जा रहा है, जो तमाम जॉइंट्स है उन जॉइंट्स को हटाकर ये पूरी स्केफोल्डिंग को अब अनफोल्ड किया जाएगा। ये सारे जो इसके ऊपर रॉड्स लगे हैं, ये सारे जॉइंट्स है, इन सबको हटाकर अब लोग खुद ही इसे हटा रहे हैं ताकि एमसीडी को बुलडोजर चलाने की जरूरत ही ना पड़े। और एमसीडी का बुलडोजर बिल्कुल उसके करीब तक गया, टच किया, लेकिन उसी वक्त यहाँ के लोगों से बातचीत एमसीडी के कर्मचारियों की हुई और एमसीडी भी नहीं ऐसा लग रहा चाह रही है कि बेवजह यहाँ पर बुलडोजर चले। अगर बातचीत से मसला सुलझ सकता है तो उस मसले को बातचीत से ही सुलझाया गया है। इसके फोल्डिंग को अब लोग खुद से ही हटा रहे हैं, ऊपर का स्ट्रक्चर देके हटाया जा रहा है, सभी रॉड्स को एक एक करके अनफोल्ड किया जा रहा है, जॉइंट्स को यहाँ से निकाल कर ये सारे रॉड्स को अब ऊपर की इस जो फ्लोर है उस पर रखा जा रहा है और धीरे धीरे ये सारा स्केफोल्डिंग नीचे की तरफ भी हट जाएगा ताकि बुलडोजर को आगे ले जाने की जरूरत ना पड़े। एमसीडी का जो बुलडोजर यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई करने के लिए पहुंचा था वो फिलहाल बिल्कुल गौनिका अच्छी बात यह है कि एमसीडी बेवजह मामले को तूल नहीं देना चाहती है। बिल्कुल गौनिका अच्छी बात यह है इसमें कि एमसीडी भी बेवजह मामले को तूल नहीं देना चाहती और जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि स्थायी निर्माण नहीं है, ये अस्थायी निर्माण है जो बिल्डिंग रेनोवेशन के लिए क्रिएट किया गया और उसे हटा दिया जाएगा। लेकिन अच्छी बात ये दिख रही है कि लोगों ने खुद से हटाना शुरू कर दिया उसको और इसलिए मुझे लगता है एमसीडी और लोगों के बीच वहां बात बनती नजर आ रही है। गौनिका देखिए बिल्कुल अभी बातचीत ही यहाँ पर कुछ लोगों की हुई है एमसीडी के कर्मचारियों के साथ और उसी बातचीत में ये अब यहाँ पर मसला हल हुआ है कि देखिए ऊपर से ये जिसके फोल्डिंग को धीरे धीरे अनफोल्ड करते हुए रॉड्स को नीचे फेंका जा रहा है, लोगों को फिलहाल इस पूरी जगह से हटा दिया गया है ताकि इस पूरे स्ट्रक्चर को अनफोल्ड करते हुए किसी को चोट भी ना लगे। और जो लोग इस बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं या फिर जो रेनोवेशन में ही ये लोग लगे हुए थे, अब कम से कम 8 से 10 लोग इस पूरे स्केफोल्डिंग को मैनुअल तरीके से हटाने के लिए लगे हुए हैं और कुछ देर में ये सारा स्ट्रक्चर यहां से हटा दिया जाएगा। एमसीडी को बुलडोजर चलाने की नेताओं को देखा, कांग्रेस की एक नेता यहां पर थी जिनको पुलिस डिटेन करके लेके गई है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेताओं को डिटेन करके पुलिस लेकर गई है। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मुख्य तौर पर इन्हीं दो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हमें यहां पर दिखे। अमानतुल्ला खान यहां पर पहुंचे हुए हैं लेकिन जिन लोगों की दुकानें हैं वो लोग या तो एमसीडी के कर्मचारियों से जाकर बातचीत कर रहे हैं शांत तरीके से ताकि मसला हल हो पाए, ताकि उनकी दुकानों को उनके स्ट्रक्चर को भी नुकसान ना पहुंच पाए और अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी जो काम करने आई है वो भी हो जाए। और इसीलिए देखिए बेवजह के बीच में हूटिंग की जा रही है क्योंकि अमानतुल्ला खान लगातार यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अमानतुल्ला खान यहाँ पर हैं और वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं और इस तरीके से विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जीत उनकी हो गई है कि वो यहाँ पर पहुंचे हैं स्ट्रक्चर को रुकवाने के लिए। लेकिन ये अमानतुल्ला खान आम आदमी पार्टी या कांग्रेस की जीत नहीं है बल्कि ये जीत है उन लोगों की जिन लोगों ने बातचीत करके एमसीडी से उस पूरे मसले का हल निकाला है। और यही वजह है कि यहाँ पर इस स्केफोल्डिंग को बुलडोजर से नहीं बल्कि लोग खुद मैनुअल तरीके से हटा रहे हैं। आपको याद होगा कि जब सर्वे हो रहा था शाहीनबाग और सभी इलाकों में उस वक्त तो फिर भी इंक्रोचमेंट दिखा था, लेकिन उसके बाद जो वक्त दिया गया था कि हम करेंगे, जैसे कि 9 तारीख का वक्त आया कि 9 मई को हम यहाँ पर करेंगे जाकर, हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाने का काम करना है, तो उससे पहले हमने देखा है कि पूरा का पूरा ये जो स्ट्रेच था ये काफी खाली हो चुका है क्योंकि पहले यहाँ पर दिखते थे रेडी पट्टी लगती थी, तो एमसीडी के लिए बहुत ज्यादा काम बचा नहीं था शायद यहाँ पर। देखिए बिल्कुल जिस दिन मुकेश सुरयान यहाँ पर पहुंचे थे एमसीडी के मेयर पहुंचे थे साउथ एमसीडी के, उसी दिन के अगले दिन से ही ये पूरे धीरे धीरे ये अतिक्रमण था, इसको हटाना लोगों ने शुरू कर दिया था। पास में ही फर्नीचर मार्केट है, उस फर्नीचर मार्केट के आगे जो तमाम फर्नीचर लोगों का पड़ा होता था जो रोड तक आ जाता था उस फर्नीचर को लोगों ने हटा दिया। रेहड़ी पटरी जिन लोगों की लगी होती थी उन लोगों ने धीरे धीरे अपनी रेहड़ी पटरी को हटाना शुरू कर दिया। इसके अलावा कई जगह पर ये शोरूम थे, इन शोरूम के बाहर अगर किसी का सामान पड़ा होता था उसको लोगों ने धीरे हटाना शुरू कर दिया। ऐसे में एमसीडी के पास ज्यादा काम बचा ही नहीं था और यही वजह रही कि आज जब 800 मीटर तक ये पूरा बुलडोजर चलकर आया है तब एमसीडी को कहीं भी बीच में अवैध निर्माण नहीं मिला और इसीलिए कहीं पर भी बुलडोजर नहीं चला है। और अब लोग क्योंकि लोगों के लोग कह रहे हैं, कई कह रहे हैं कि उनके पास नोटिस नहीं पहुंचा, एमसीडी ने जानकारी नहीं दी, लेकिन जिस तरीके से मीडिया में बार बार इस बात को बताया गया कि एमसीडी का इस तरीके की कार्रवाई होगी और बाकायदा एक सर्कुलर जारी किया गया था कुछ दिन पहले, तो लोगों तक जानकारी
जानकारी पहुंच चुकी थी, फिर चाहे वो डायरेक्ट वे से हो या इनडायरेक्ट वे से हो, लोगों तक जानकारी पहुंच गई थी, इसीलिए लोगों ने इस पूरी रोड से सारे अतिक्रमण को हटा लिया था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।